तो हेलो एंड टुडे वी आर वर्किंग ऑन और वेस्पा। तो आज हम इसमें एक जुगाड़ नहीं कह सकते आप इसको, या कह भी सकते हैं आपकी इच्छा है, करने वाले हैं। जैसे कि इसकी हेडलाइट परमानेंट जली रहती है, उसको हम बंद करेंगे आज। तो सबसे पहले पहन लेते हैं ग्लव्स इसलिए जिससे कि हाथों में डर्ट जमा ना हो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पियागो का ये लोगो, ठीक है। और हमें फिर चाहिए एक 4-हेड स्क्रू ड्राइवर जिससे कि हम इसके सारे स्क्रूज खोल सकें। तो इसकी ये फ्रंट नोज़ निकालनी पड़ती है क्योंकि इसका जो वाइज़र का सबसे आगे वाला स्क्रू है वो जब ही निकलता है जब इसकी फ्रंट नोज़ निकालते हैं। तो आगे की इसकी ये नोज़ निकालने के बाद हम इसका जो ऊपर का फ्रंट वाइज़र है या मीटर कवर है उसके आगे का स्क्रू खोलेंगे। तो ये स्क्रू जब ही खुल पाता है वेस्पा में जब इसके आगे की ये नोज़ निकल जाती है। बाकी एक्टिवा, जुपिटर, एक्सिस, इनमें ऐसा कुछ खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा अपना मीटर कवर या फ्रंट वाइज़र ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो अब पीछे का पैनल खोलने के लिए हमें चाहिए 2 स्क्रूज़ खोलने पड़ेंगे, स्क्रूज़ 1 और स्क्रूज़ 2। ये दोनों ही 4-हेड स्क्रू ड्राइवर से खुलेंगे। जुपिटर में 4 होते हैं और एक्सिस में भी 4 होते हैं, एक्टिवा में भी 4 होते हैं, वेस्पा और एप्रिलिया में 2 ही होते हैं बस। टोटल 3 स्क्रूज़ होते हैं जिनसे ऊपर का सारा खुल जाता है। और हम थोड़ा सा इसको हेडलाइट कवर को थोड़ा सा ईजिली आराम से खोलें, अगर इसकी लॉक पिन टूट गई तो आपको ये फिर आगे दिक्कत देगा और आपकी स्कूटी में बजने लगेगा, आवाज़ करने लगेगा। तो इसको निकालने के बाद हमें हेडलाइट और पार्किंग बल्ब दोनों के वायर निकाल देने हैं कुछ इस तरीके से। ये है हमारा स्टॉक स्विच। स्टॉक मीन्स जो कंपनी BS2 या BS3 वर्जन्स में लगा के देती थी वो वाला स्विच है। तो आपको ये तार दिख रहा होगा, इस ये जो 3 क्लिप हैं, ये 3 क्लिप एक ग्राउंड वायर, एक पार्किंग बल्ब और एक हेडलाइट की हैं। तो ऐसे हमें 3 वायर लेने होंगे और उन वायरों में ऐसे राउंड बना के इन तीनों में ही डाल देने हैं। और इन तीनों में डालने के बाद बस थोड़ा सा ध्यान रहे, थोड़ा सा गैप हो वायर में, अंदर जाके टच ना हो। अगर अंदर जाके टच होंगे तो लाइट जली रहेगी, स्विच ढंग से काम नहीं करेगा। और इन तीनों वायर्स को डालने के बाद आप ग्लू गन से इसको पूरे को भर दें और ये बिल्कुल सेफ है। इसमें बिल्कुल कोई शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये तार आपस में भिड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी लाइट जली रहेगी, स्विच काम नहीं करेगा, बस। कोई ऐसा नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर मिल जाएंगे और आपका दिक्कत हो जाएगी। अब आपकी स्कूटी में एक छोटा सा कवर लगा होगा जो हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच की जगह मोस्टली आजकल सभी स्कूटियों में लगा हुआ आ रहा है, उस कवर को निकाल के हम इस स्विच को इंस्टॉल करेंगे। और जो वायर है, वायर की लेंथ अपने हिसाब से लें कि आपको कितनी ज़रूरत है उस वायर की, कि वो वायर ईजिली हेडलाइट की वायर्स तक आ जाए। तो ये जो प्रोसेस है ये मोस्टली सभी स्कूटर्स के लिए सेम है, आप किसी भी स्कूटर में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका एक्टिवा है, जुपिटर है, एक्सिस है, होंडा डियो है, कोई सा स्कूटर है, सब में सेम है। तो इस तरीके से अपना स्विच इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम अपनी वायरिंग पे। तो वायरिंग पे सबसे पहले जितने भी ब्लैक वायर्स हैं हेडलाइट के और पार्किंग बल्ब के, हमें वो काटने हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक वायर्स, और कोई सा वायर नहीं छेड़ना। ब्लैक वायर जो होता है वो ग्राउंड वायर का होता है, उस वायर को हमें काटने सबके। तो हेडलाइट के अलग और पार्किंग लाइट के अलग। और काटने के बाद हमें सारे जितने भी वायर हैं सबको छीलना है, ध्यान से छीलें, अपना जैक या फिर आपके जो कपलिंग्स हैं इनको ख़राब ना करें, जो भी आप इनको कहते हैं। तो ये भी सभी स्कूटर में सेम ही होते हैं, और कुछ स्कूटर में पार्किंग बल्ब नहीं होते मोस्टली, जैसे ओल्ड मॉडल सुजुकी एक्सेस है उसमें पार्किंग बल्ब नहीं है। और ये जो 3 वायर हैं, तो सबसे वायर नंबर 1 ये है न्यूट्रल ग्राउंड का, दूसरा आपका पार्किंग बल्ब का और तीसरा हेडलाइट का। तो ये हैं 3 वायर्स आपके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे अपना ग्राउंड वायर, ब्लैक वायर जो, तो उससे पहले आप अपने हिसाब से वायर को नाप लें, मेज़र कर लें और उसको प्रॉपर लेंथ के हिसाब से काट लें। काटने के बाद तीनों वायर्स को अच्छी तरह छील लें, ध्यान से छीलें, ऐसा ना हो कि छीलने के चक्कर में आप वायर को काट दें और लेंथ छोटी हो जाए। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्राउंड वायर, ग्राउंड वायर को लेंगे और वायरिंग की तरफ से जितने भी ब्लैक वायर आ रहे हैं
वायरिंग की तरफ से, हेडलाइट कपलर की तरफ से नहीं, वायरिंग की तरफ से, उन सभी ब्लैक वायर को इस ग्राउंड, जो स्विच से ग्राउंड वायर आ रहा है, इसको जोड़ देंगे। यानी कि ग्राउंड वायर मतलब फर्स्ट वायर जो आ रहा है आपका स्विच से, उसको जोड़ देंगे। देख, आपने जैसे देखा कि वायरिंग की तरफ से जो ब्लैक वायर्स आ रहे हैं उनको जोड़ना है, जो जैक हैं अपने, कपलर जैक जो भी आप कहते हो, उनको नहीं जोड़ना इस वायर से। तो आप इनको ईजिली जोड़ के, उसके बाद जो सेकंड नंबर वायर है वो है अपना पार्किंग बल्ब का। तो इस वायर को, सेकंड वायर को, पार्किंग बल्ब का जो जैक है, कपलर है, उसमें से जो ब्लैक वायर निकल रहा है, वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा जैक में, इस वायर से आपको जोड़ना है और इसको अच्छी तरह टाइट कर देना है। मोस्टली स्कूटर्स में पार्किंग बल्ब्स होते हैं, फिर भी कुछ स्कूटर्स में नहीं है पार्किंग बल्ब्स। और उसके बाद थर्ड वायर बचता है, ये है अपना हेडलाइट का वायर। तो इस वायर को भी हमें हेडलाइट में से जितने भी ब्लैक वायर्स निकल रहे हैं, किसी में दो होते हैं किसी में एक है, तो उनसे जोड़ देना है। और इनको जोड़ने के बाद अगर आप प्रॉपर चाहते हैं तो इनको सोल्डर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने करा है। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप इस स्टेप को सीधा स्किप कर सकते हैं और सीधा आप क्या, ब्लैक टेप लगा के इसको टाइट कर सकते हैं। ब्लैक टेप इसलिए जिससे कि वायर आपस में भिड़े ना, टेप तो आपको लगानी ही पड़ेगी, ब्लैक टेप। तो फटाफट से हम तीनों वायरों पे ब्लैक टेप लगा लेते हैं। और एक टिप, अगर आप इस ब्लू वायर्स को कंपनी फिटेड का रूप देना चाहते हैं, तो आप पूरे तीनों वायरिंग्स पे इकट्ठा करके और उन पे ब्लैक टेप पूरे में लपेट लें, वो फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे कंपनी फिटेड है, जस्ट लाइक दिस, जैसे इसमें दिख रहा होगा। उसके बाद पूरी वायरिंग फिटिंग होने के बाद अपने जैक, कपलर जो भी आप कहना चाहो, उनको पार्किंग बल्ब को पार्किंग बल्ब में और हेडलाइट बल्ब को हेडलाइट बल्ब में लगा दीजिए। उसके बाद एक बार आप टेस्ट कर लीजिए लाइट जला के कि लाइट चल रही है या नहीं, प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्विच के अंदर वायर जुड़ गए हों या ढंग से नहीं जुड़े हों, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। अब हेडलाइट कवर को हमने वापस दोबारा लगा दिया है, क्योंकि मैंने चेक कर लिया था कि लाइट जल रही है या नहीं जल रही। तो हेडलाइट कवर को हमेशा ध्यान से देख के लगाएं, क्योंकि मोस्टली सभी स्कूटर में ऊपर की तरफ लॉकिंग सिस्टम होता है। अगर वो लॉक्स टूट जाते हैं तो फिर स्कूटर जब हम चलाते हैं तो पूरी बॉडी आवाज़ करती है, तो उससे बचें और लगाते टाइम थोड़ी सावधानी बरतें जिससे कि आपके लॉक्स ना टूटें। तो अब चेक करते हैं लाइट। ये पहले पार्किंग बल्ब, ओके, उसके बाद हेडलाइट, हाई बीम लो बीम, पार्किंग बल्ब और ऑफ। अब सब कुछ ओके है तो हम इसको वापस पैक करेंगे। तो नीचे के दो स्क्रूज थे वो हम टाइट कर देंगे। मैंने पहले ही बताया कि कुछ स्कूटर्स में दो की जगह चार होते हैं, लेकिन वेस्पा और अप्रीलिया में दो ही होते हैं बस। तो हम इन दोनों को टाइट कर देंगे। उसके बाद आगे मोस्टली सभी स्कूटर्स में आगे स्क्रू होता ही होता है, तो हम उसको भी लगा देंगे, आगे वाले स्क्रू को। थोड़ा स्क्रू लगाते हुए टाइम सावधानी बरतें, अगर आपका स्क्रू नीचे गिर गया तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, वो शायद मुश्किल ही निकलता है। उसके बाद हम आगे की इसकी नोज़ लगा देंगे। नोज़ को ऊपर से लगा के हल्की सी नीचे की तरफ को स्लाइड करेंगे, क्योंकि इसमें लॉक सिस्टम होता है, वो लॉक लगते हैं। उसके बाद हम जो इसका स्क्रू है उस स्क्रू को लगा देंगे, अच्छी तरह टाइट कर देंगे। उसके बाद इसका जो ऊपर का लोगो है उसको, लोगो को लगा देंगे और अपनी हेडलाइट स्विच ईजिली इंस्टॉल हो गया। आप अपने कोई से भी स्कूटर में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक बल्ब है ये बद्धा भी नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे आपका बिल्कुल कंपनी फिटेड है, आपको कोई एक्स्ट्रा स्विच नहीं लगाना पड़ता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करेंगे।